चलिए अब रुख करते हैं जगदलपुर की ओर, जहां बौद्धघाट थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक रूपेश के परिजन ने मृतक के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर बौद्धघाट पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करते हुए मृतक युवक की तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान 14 सितम्बर को पुलिस को सूचना मिली कि रूपेश की बाइक उसका दोस्त रिशित सिंह चला रहा है। पुलिस ने शक के आधार पर रिशित सिंह को थाने लाकर पूछताछ की। रिशित ने बताया कि शराब पीने के बाद दोनों के बीच पैसे को लेकर बहस हो गई थी और उसने शराब की बोतल से रुपेश की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी रिशित सिंह को जेल भेज दिया है। रुपेश सिंह ठाकुर के परिजन थाना बोधघाट में आकर 10 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनका बच्चा जो है 8 तारीख के रात्रि से गायब हो गया है, जिसके बाद लगातार थाना बोधघाट की टीम के द्वारा पतासाजी की जा रही थी। परिजनों ने यह भी बताया था कि उनका जो बच्चा है रुपेश सिंह ठाकुर, वो अपनी बाइक KTM बाइक से गया है और बाइक भी नहीं है और उनका बच्चा भी नहीं मिल रहा, जिस पर जो पतासाजी की जा रही थी। इसी दरमियान सूचना मिली कि जो KTM बाइक है वो एक सिनेमा हॉल के पास में खड़ी है, जहां पर टीम के द्वारा दबिश दी गई और रसित सिंह के कब्जे से वो बाइक बरामद हुई। उससे पूछताछ किया गया कि ये बाइक तुमने कहां से पाया, रुपेश कहां गया, जिस पर उसने पहले तो टाल मटोल करता रहा था, घुमा फिरा कर जवाब दे रहा था। बाद में उसने बताया कि वो रुपेश सिंह ठाकुर के साथ दिनांक 8 की रात्रि को सन सिटी आवास के पीछे जो एक एरिया है जहाँ झाड़ियाँ हैं, वहाँ बैठ करके शराब पी रहा था और शराब पीने के दौरान पैसों को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ, जिस पर उसने रुपेश सिंह ठाकुर का रुपेश के ही शर्ट से गला दबाकर और जो वहाँ शराब की बोतल थी उसको फोड़कर उस पर गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रसित सिंह शव को झाड़ियों के बीच में छुपा दिया, जो उसका शर्ट था जिससे उसने गला दबाया था उस शर्ट को भी वहीं पर दूर में फेंक दिया और मृतक का चप्पल जो था उसको भी फेंक दिया था। उसके निशानदेही पे ही मृतक का शव, मृतक का शर्ट, जो उसका एक जोड़ी चप्पल था, साथ ही साथ वहाँ जो शराब की बोतल पड़ी हुई थी उसको बरामद करके जब्त किया गया है। आरोपी ने एक जो मोटरसाइकिल उसने जो ले लिया था मृतक का, उस मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट को भी तोड़ दिया था और नंबर प्लेट को लालबाग वाले एरिया में फेंक दिया था। उसके निशानदेही पे जो टूटा हुआ नंबर प्लेट था उसको भी बरामद किया गया है।